हेलो गाइस, तो ये आ गए अपन मारुति सुजुकी अरीना। चेक करेंगे नई वाली विटारा ब्रेजा। इसका बैक लुक काफी बढ़िया लग रहा है यार, रेंज रोवर से इंस्पायर्ड स्मार्ट हाइब्रिड। रेड एंड ब्लैक का काफी प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है यार ये तो। डायमंड कट अलॉय व्हील्स, LED टर्न इंडिकेटर्स, और ये तुम्हारा भाई। रूफ रेल्स भी लगे हुए हैं इसमें। तो ये आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है ZXi प्लस, टॉप मॉडल है जो कि काफ़ी पसंद आ रहा है मुझे इसका लुक यार। तो गाइस 16 इंच का टायर है इसका, 215/60/16। गाइस इसमें आपको चार वेरिएंट्स मिलेंगे जो कि है LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। और ये आप लोगों के सामने ZXi प्लस खड़ा हुआ है। देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें, पढ़ लेना आप लोग गाइस। 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक है इसका और पावर वगैरह भी दी हुई है यहाँ पे। और इस बार यार ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि इसमें फ्रंट कैमरा भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। बैक कैमरा तो है ही, साथ में फ्रंट कैमरा भी है इसमें। तो अब इसका चेक करते हैं हम इंटीरियर। अरे यार पुरानी वाली गड्डी से तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ। और देखो फाइनली सनरूफ भी मिलेगा अब हमको। ये 9 इंच का हमको स्क्रीन मिलेगा इसमें, फुल टच है जो कि। और ये सेंसिटिव बटन्स भी हैं। और एसी के कंट्रोल्स, मतलब इंटीरियर को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है यार। और ये एनालॉग स्पीडोमीटर है इसका और टैकोमीटर है। बीच में MID भी मिलेगी। ये टॉप मॉडल में बैठा हुआ मैं इस वक्त, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है बैठने में, आप लोग देख सकते हो। और जो सनरूफ वाला लुक आ रहा है वो भी देख लो गाइस एक बार, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है बैठने में। और जब इसको बाहर लेके चलेंगे यार, धूप धूप में घूमेंगे, जो सनरूफ वाली जो लाइट आती है ना, सनलाइट पड़ती है चेहरे में, उसका अलग मज़ा रहता है। तो काफ़ी स्पोर्टी फील हो रहा है बैठने में इसके अंदर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इसमें क्या क्या एडवांस लग रहा है तुझे दिया है जो बहुत बढ़िया लग रही मुझे ये गाड़ी। इसका क्या BHP पावर है कुछ पता है इसका? पावर तो मारुति की गाड़ियों में तो ये रहता है कि पेट्रोल इंजन है, और इसके इंजन को भी डुअल जेट नहीं, डीजल में नहीं आती पेट्रोल। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है गाइस। और स्टेयरिंग में जो भी कंट्रोल्स हैं आप लोग देख सकते हो। MID को भी चेंज किया गया है इसके। फाइनली अब हमको काफ़ी बढ़िया स्क्रीन मिल रही है जिसका साइज़ भी बढ़ा दिया गया है। और दो पोर्ट भी दिए गए हैं आप लोग देख सकते हो। और गाइस मैं ये पहला वीडियो है जो मैं पहला किसी गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ किसी कार का, तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ करना, मैं धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव करूँगा गाइस। तो ये ऐसा कुछ है, देख लिया है आप लोगों ने। और चलो मैं एक बार आप लोगों को पीछे बैठ के भी दिखा देता हूँ। फ्रंट में तो काफ़ी बढ़िया स्पेस है, एकदम रिलैक्स होकर गाड़ी चलाएंगे अपन, ऐसी वाली फीलिंग है एकदम, मतलब आराम से बैठ के बस आप लोग को स्टेयरिंग ऐसे चलाना है, बहुत बढ़िया फील आएगी। अभी तो काफ़ी पीछे है सीट, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इसको। चलो पीछे चलता हूँ, पीछे दिखाता हूँ कि स्पेस कितना है। और गाइस बात करूँ बैक स्पेस की तो ठीक है यार, मतलब मेरी हाइट लगभग 5'9" है और साथ में मैं आराम से बैठा हूँ। सीट थोड़ी पीछे है, अभी आगे भी हो जाएगी तो स्पेस ठीक है यार, बढ़िया है। सीट आगे हो जाएगी तो काफ़ी जगह मिलेगी और लेग रूम भी मिल जाएगा मुझे, जो कि अभी आप लोग देख रहे हो कि नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा हूँ मैं बैठने में, लेकिन जब मैं सीट को आगे करूँगा, सीट ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ पीछे है, जब भी आगे चली जाएगी तो मैं आराम से बैठ के और मैं अपनी जर्नी कवर कर सकता हूँ। पीछे बैठ के आप लोग को व्यू दिखा दूँ कि कैसी लगने वाली है ये गाड़ी आपको। तो आप लोग देख सकते हो सनरूफ के साथ जो कॉम्बिनेशन आ रहा है डैशबोर्ड का, बहुत ही प्यारा आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी धूम ज़रूर मचाएगी। इसका थोड़ा सा पहले वाली प्रेजा से इसका प्राइस बढ़ा गया है, तो और बढ़ाया भी क्यों ना जाए यार, क्योंकि फीचर्स भी इसमें ऐड किए गए हैं। नई ही गाड़ी एकदम से फेसलिफ्ट किया है इस गाड़ी को।
सनरूफ भी ऐड हो चुका है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो इसमें एक नया फीचर और ऐड किया गया है यार, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस और आज हमको ज़रूरत भी है उसकी। इसमें 360 डिग्री का कैमरा भी है। और चलो भैया से पूछते हैं कुछ नए फीचर्स जो इसमें हैं जो पुरानी ब्रेजा में नहीं थे। भैया कुछ बताइए इसके फीचर्स के बारे में। इसमें आपको वॉइस कमांड आ गया है। अच्छा, अभी आप देख रहे हो उसमें, ठीक है ना, वॉइस कमांड आ गया है, HUD आ गया, हेड अप डिस्प्ले आ गया है। अच्छा, ठीक है, आइडल स्टार्ट स्टॉप के साथ आ गई है व्हीकल। तो गाइस सबसे बड़ा अपग्रेड तो ये है कि इसमें जो इंजन आ रहा है जो कि है अब डुअल जेट इंजन। जी तो फोकस आपकी इसमें ना, जिससे क्या है सामने अगर ड्राइव कर रहे हो तो हेड अप स्क्रीन है इसमें। हेड अप स्क्रीन है इसमें, एक बेनिफिट मिल जाएगा आपको। कहाँ से निकलती है? यहाँ से। मतलब फीचर्स के मामले में काफी लोडेड है ये गाड़ी। हाँ जी। स्टेरिंग का कैसा क्या भैया? स्टेरिंग आपकी देखिए, इसमें आपको एडजस्टेबल भी है और ये वाली टेलीस्कोपिंग दोनों दे दिया इस बार। अरे वाह, तो ये भी आप ड्राइव के हिसाब से काफी बेटर है। ये देखिए आपने यार, विटारा ब्रेजा 2022 वाला वर्जन काफी प्यारा है यार, इतने ज्यादा फीचर मैंने तो सोचा भी नहीं था यार। मैंने अभी चेक किया, अभी शोरूम में आया, फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मैं इतना बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली है, क्योंकि जो इसमें फीचर्स अब ऐड किए हैं ना, मारुति को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि फीचर्स के बारे में, फीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, तो अब फीचर्स काफ़ी ज़्यादा लोडेड है इसमें। तो आप लोग इसको देख सकते हो, अगर आप लोगों से किसी को भी लेना हो ये गाड़ी, माँ गायत्री ऑटोमोबाइल्स में इस वक्त में। लोकेशन क्या है? करमेटा आरटीओ। तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप लोग, यहाँ से गाड़ी ले सकते हो विटारा ब्रेजा। अभी इसमें वेटिंग चल रही है, लेकिन कोशिश ये कर की जाएगी कि जल्दी से जल्दी दे दी जाएगी आप लोग को। सुजुकी ने काफी ज्यादा ध्यान रखा है, इसमें 6 एयर बैग है। और यार ये टॉप मॉडल, तो इसमें हमको डुअल LED हेडलैम्प मिलेंगे, देख सकते हो आप लोग, और इंडिकेटर भी LED है इसके। कैसी लग रही है गाइस आपको ये लुक्स में? मैं तो इसको 10/10 दूंगा लुक्स में, और आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसी लग रही है। तो गाइस ये रही मारुति की ऑल न्यू विटारा ब्रेजा। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर गाइस।